तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट पर। कल भी बात कर रहे थे, आज भी बात कर लेंगे। चलो सॉलिड स्टेट में डिस्कस करते हैं अगले टॉपिक पर। और आज हम बहुत ज्यादा खतरनाक बिंदुओं पर डिस्कस करने वाले हैं, और वो है खतरनाक बिंदु। ये हम सीखेंगे आज संकुलन क्षमता या संकुलन भिन्न ज्ञात करना। संकुलन क्षमता या संकुलन भिन्न क्या है, पहले तो उसको देख लो। संकुलन भिन्न या संकुलन क्षमता का मतलब यह होता है कि परमाणुओं के द्वारा कितना स्थान घेरा गया है। संकुलन पैकिंग, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पैकिंग, कि परमाणुओं के द्वारा कितना स्थान घेरा गया। अब परमाणुओं के द्वारा स्थान कैसे घेरा गया है, कितना घेरा गया है, ये हमें ज्ञात करना है। और तीन चीजें हम पहले हम आपको बता दें। SC, जैसा कि मैंने आपको बताया था, SC में 47.6% घेरते हैं। BCC काय केंद्रित, जिसमें 52% स्थान घेरते हैं। BCC में 68% स्थान घेरते हैं। और FCC में फलक केंद्रित में 74% स्थान घेरते हैं। ये चीज हमें यहां पर बतानी है, ठीक है। चलिए क्लियर है, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूं, ये तो मैंने आपको जनरली बता दिया, तो चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो हमें क्या सीखना है, हमें सीखना है संकुलन क्षमता। बहुत गौर सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज बताने जा रहा हूं मैं आपको, मजा आ जाएगा। अगर समझ में आ गया तो, और नहीं आया तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। संकुलन क्षमता, तो संकुलन क्षमता क्या है इसको पहले सीखना है। संकुलन क्षमता का मतलब ऐसे समझ लो कि आपके पास में मैंने एक कोई पात्र दे दिया, इस टाइप का कोई डब्बा दे दिया मान लेते हैं, है ना। और इस डब्बे में मैंने कहा कि आप एक काम करो, परमाणुओं को रख दो। परमाणु कैसे होते हैं, गोले होते हैं। इन गोलों को यहां पर रख दो, रख दिया। अब ये जो गोले यहां पर गए हैं, क्या ये इस डब्बे के पूरे पूरे भाग को कवर कर लेंगे? क्या ये गोले जो गए हैं, इसके अंदर अपन ने गोले या बॉल कुछ भी डाल दो, तो क्या ये पूरा जो डब्बा है, इस डब्बे को पूरा तरीके से घेर लेंगे? जवाब है नहीं। क्या कुछ भाग इसमें रह जाएगा, कुछ भाग इसमें रह जाएगा। देखो ये भाग रह गया, नहीं रह गया, क्लियर। तो ये भाग रह गया, तो हमें ये बताना है कि इस डब्बे में जब हमने परमाणुओं को डाला, तो परमाणुओं को डालने के बाद में कितना स्थान उसने घेर लिया। क्या बोला मैंने, परमाणुओं के द्वारा कितना स्थान घेरा। ये चीज हमें यहां पर सीखनी है। तो परमाणुओं के द्वारा जितना स्थान घेरा जाएगा, वही उसकी संकुलन क्षमता, या इंग्लिश में बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, शॉर्ट में बोल देंगे P.F होगी। समझ में आ रही बात, क्लियर। अब एक चीज सोचने वाली बात है कि यार इसको कैसे बताया जाए, कैसे निकाला जाए। तो एक बात समझो, आपके पास में जो डब्बा होगा वो 3D में होगा, 3D में होगा, ठीक है। और डब्बा होगा 3D में होगा, तो 3D में अगर है तो उस डब्बे का यहां पर क्या ज्ञात करेंगे, आयतन। तो हम क्या करें, सबसे पहले उस डब्बे का आयतन ज्ञात कर लेंगे डब्बे का आयतन। समझ में आ गई बात, डब्बे का आयतन ज्ञात कर लेंगे। फिर गोला हमारा, यानी कि बॉल, जो बॉल है या परमाणु जिसको हम बोल सकते हैं, वो भी हमारा कैसा होगा, गोले के रूप में होगा, यानी कि 3D में होगा। तो उस गोले, किसी एक गोले का आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर कितने गोले हैं उससे गुणा कर देते हैं, कितने गोले हैं उससे गुणा कर देते हैं,
क्लियर है। तो जब उससे गुणा करोगे तो कुल गोलों का आयतन हमें मिल जाएगा। तो एक तरफ हमने क्या कर दिया, जो भी गोले वहां रखे थे, जो भी बॉल वहां थी, उनका आयतन ले लिया। दूसरी तरफ हमने क्या कर दिया कि जो जिस बक्से के अंदर रखे हुए थे उसका आयतन ले लिया। फिर हमने क्या किया, गोलों को आयतन, गोले के आयतन बटा गोलों को आयतन बटा जो हमारे पास में क्या था, पात्र था, उसके आयतन से भाग दे दिया। समझ गए बात को, बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। क्या संकुलन क्षमता ज्ञात करने का सीधा सरल तरीका, क्या करो, गोले ले लो, गोले का आयतन ले लो, फिर कितने गोले हैं उनमें गुणा कर दो, तो गोलों का कुल आयतन हमको मिल जाएगा। गोलों का कुल आयतन हमको मिल गया, भाग देना है किससे, जिस पात्र में रखा गया है उसका आयतन। तो वो जो प्रतिशत मान निकल के आएगा, गुणा 100 कर दो, तो वो जो प्रतिशत मान निकल के आएगा वो ये साबित करेगा कि वहां पर कितना भाग कवर हो गया है। ये समझ में आ गया सभी को, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सबको समझ में आ गया, यही काम हमको करना है। क्लियर है, तो ठीक है, समझ गए बात को, तो यही चीज आज करनी है हमको। तो मैं इसको यहाँ पर रब कर दे रहा हूं, अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या करने वाले हैं। तो कैसे निकालेंगे ये भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया, क्या दिमाग में रखना है ये भी आपको समझ में आ गया बच्चों। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। तो कहां से शुरुआत करते हैं, उसी तरीके से बात करते हैं। तो संकुलन क्षमता बराबर क्या होगा, पहले होगा एक एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन, ठीक है बच्चों, एक गोले का आयतन। अच्छा कितने गोले होंगे, कितने गोले होंगे, ये हमने आपको निकालना सिखाया था। पता है कैसे निकालना सिखाया था, जेड जेड EFF, जेड इफेक्टिव, है ना, एक एक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या सिखाया है मैंने, ये मत कहना नहीं सिखाया। SC फॉर्म में कितना था, 8×1/8=1। FCC फॉर्म में कितना था, 8×1/8+6×1/2=4। BCC फॉर्म में कितना था, ये सिखाया है कि नहीं, 8×1/8+1=2। बोलो ये सिखाया है कि नहीं सिखाया, ये बताओ जल्दी बताओ कि क्या था। SC फॉर्म में कितना आता है, 1। FCC में कितना आता है, 4, बहुत बढ़िया, और BCC में आता है 2। ये हमने सिखाया, इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था जेड इफेक्टिव। ये संख्या जो थी वो क्या थी, जेड इफेक्टिव, यानी कि जेड इफेक्टिव का मतलब क्या था, जेड इफेक्टिव का मतलब एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, ठीक है। तो इसका गुणा इससे कर दो, तो ये आ गया कितने परमाणु, ये आ गया एक गोले का आयतन, एक गोला गुणा एक, मतलब जितने गोला गुणा एक गोले का आयतन। भाग देना है किससे, भाग देना है किससे, जिस पात्र में रखा जाएगा। अच्छा यहां जो पात्र होगा ना वो होगा घन, क्या होगा, घन, घन के अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, घन के अलावा कुछ नहीं होगा। तो यहां पर लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन। चलो सूत्र बन गया, सूत्र बन गया, जेड इफेक्टिव गुणा एक गोले का आयतन बटा घन का आयतन, ये देखो सूत्र बन गया आपका, बहुत बढ़िया वाला सूत्र बन गया आपका, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, तो यहां क्या लिखेंगे, जेड इफेक्टिव तो रहेगा रहेगा, इनटू गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr³। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr³, और घन की लंबाई कितनी होती है, घन तो भैया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है ना, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, तो सबको a मान लेते हैं, यानी कि इसका मतलब ये हो जाएगा aq। ये देखो आयतन आ गया, ये रहा आपके पास में सूत्र, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू जेड इफेक्टिव इंटू 4/3 πr³/aq। ये रहा सूत्र, बोलो ये समझ में आ गया सभी को, ठीक है। चलो शुरुआत करें, तो चलो शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं, पहला लेते हैं, नंबर एक लेते हैं, नंबर एक SC। तो शुरुआत करते हैं अपन SC से,
ठीक है, शुरुआत करते हैं अपन एससी से। चलो एससी क्या होता है, एससी क्या होता है, सिखाया है मैंने आपको बेटा एससी में क्या होता है कि सारे परमाणु जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, कोनों पर होते हैं, सारे परमाणु कोनों पर होते हैं, सिखाया है मैंने आपको, ठीक है। ये रहा आपके पास में सारे परमाणु कोनों पर है। जेड इफेक्टिव का मान कितना है इसके लिए, जेड इफेक्टिव का मान कितना है, एक। चलो ठीक है, गोले का आयतन कितना है, 4/3 πr³। गोले का आयतन कितना है, 4/3 πr³, 4/3 πr³। चलो ये भी हो गया। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबकी बराबर होती है, तो आयतन कितना हो गया, a हो गया, a इंटू a हो गया, तो आयतन कितना हो गया, a³ हो गया, किसका, घन का आयतन, घन का आयतन। ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपके पास में a³। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, गुड। कोनों पर बिल्कुल सही है, क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर हो गया आपके पास घन का आयतन a³। तो अब बताओ सूत्र रखेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन बराबर z कितना हो गया 1, यहां हो गया 4/3 πr³ डिवाइड बाई a³। यहां तक बात समझ में आ गई है, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। अब a की, a और r के मध्य में संबंध भी कल सिखाया था मैंने, a और r के मध्य में संबंध क्या सिखाया था, जब sc रूप होता है, जब sc रूप होता है तो परमाणु जो होते हैं वो जो कोने, जो यानी कि जो लंबाई होती है, कौन, किनारे की लंबाई होती है, अगर sc रूप है तो मान के चलते हैं कि दोनों किनारे, जो किनारे हैं परमाणु रखे हैं, वो दोनों परमाणु एक दूसरे को टच करेंगे, जुड़े रहेंगे। तो जुड़े रहेंगे तो ये त्रिज्या कितनी हो गई, r, ये हो गई r, तो यहां से यहां तक की दूरी हो गई a, a बराबर आ गया 2r, आ गया a बराबर कितना आ गया 2r, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, a बराबर कितना हो गया 2r, तो 2r हो गया, तो यहां पर आ गया पैकिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू 1 × 4/3 πr³ बराबर ar, 2r का होल क्यूब। आ गया बच्चों, तो क्या होगा यहां पर, देखो 4/3 πr³ डिवाइड बाई 2 × 4 × 8, 2 × 4 × 8 होल क्यूब। भैया कट गया, 4 × 8 होता है, तो कितना आ गया 5/6, और 5/6 करेंगे तो कितना मान आएगा, बोलो, 5/6 करोगे तो कितना मान आएगा, पाई का मान 3.14, तो यहाँ कितना होगा 3.14 डिवाइड बाई 6, 6×5=30, तो 0.5 30, और फिर उसके बाद में क्या बचा 14, तो 6×12 लगभग 0.52, या ये कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 52% के लगभग, कितना 52% के लगभग, समझ गए बच्चों, आ गया ना 52% के लगभग। इतना स्थान घेरा है किसने, परमाणु ने, किसमें, घन में, तो परमाणु इतना स्थान घेरते हैं घन का, कितना 52%, 52% स्थान घेरते हैं परमाणु घन का। तो अब एक बात मुझे बताओ, रिक्त कितना होगा, रिक्त कितना होगा, रिक्त, रिक्त स्थान की बात करें तो रिक्त कितना होगा, तो 100 − 52, तो 100 − 52 कर दो तो कितना हो जाएगा, 48% स्थान जो होगा वो रिक्त होगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात, तो कहने का मतलब ये है कि कैसे होगा, ये चीज समझ में आ गई है, 52% यहां और 48% यहां, पॉइंट समझ में आ गया, 52 48। तो फॉर्मूला समझ में आ गया आपको, फॉर्मूला क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 × 4/3 πr³ डिवाइड बाय a³, a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 2r का होल क्यूब, तो कितना आ जाएगा यहां पर 8r³। बोलो क्लियर, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया,
चलो तो पहली पड़ाव, पहला पड़ाव कर लिया आपने एस सी। अब नेक्स्ट बात करते हैं नंबर सेकेंड। नंबर सेकेंड हम ले रहे हैं बी सी सी। अब आप हमारे साथ में ही सॉल्व करेंगे, साथ में ही सॉल्व करेंगे बी सी सी। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, काय केंद्रित, काय केंद्रित, ठीक है ना, काय केंद्रित। चलो साथ में शुरू करो, साथ में शुरू करो, शुरू करो साथ में। काय केंद्रित मैं बता दे रहा हूं, काय केंद्रित, काय केंद्रित का मतलब क्या था, काय केंद्रित का मतलब क्या था, काय केंद्रित का मतलब है कि परमाणु जो है वो है कोनों पर, और परमाणु कहाँ है बच्चों, परमाणु है हमारा केंद्र पर, केंद्र पर, ठीक। चलो शुरू करो, शुरू करो, फॉर्मूला लगाओ, फटाफट फॉर्मूला लगाओ, साथ में चलते रहो, जल्दी 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 साथ में चलते रहो, फॉर्मूला लगाओ, वही होगा फॉर्मूला, फॉर्मूला वही है, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब, ठीक। जेड इफेक्टिव, जेड जेड निकालो, जेड निकालना सिखाया था, पैकिंग फ्रैक्शन जेड की वैल्यूज कितनी है 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 × 1/8 प्लस 1 कितना आएगा 2, क्लियर है, ये आ गया 2, समझ में आ गया, 8 × 1/8 + 1 इज इक्वल टू 2, क्लियर है। 4/3 अब a की वैल्यू, a की वैल्यूज पर फोकस करना है, किस पर, a पर, तो a क्या है बेटा, ये a है, ये भी a है, यहां से यहां पर विकर्ण वाला मामला आ जाएगा ना, r का मान विकर्ण वाला कभी सिखाया था मैंने आपको, तो ये है ऐसे, तो विकर्ण हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया, और फिर ये हो गया, ठीक है। यहां पर एक चीज रखेंगे, ये देखिए ऐसे रखेंगे, तो विकर्ण वाले मामले से लेके चलना स्टार्ट करिए, विकर्ण वाले मामले से लेके चलना स्टार्ट करिए, तो कैसे करेंगे उसको देखिए, आप ट्राई करिए। तो ये वैल्यूज कितनी है आपके पास में, √3a हो गया, फिर सिखाया था मैंने, हाँ बिल्कुल सही है, बहुत सही है, बहुत सही जा रहे हो आप लोग, यहां पर r, यहां पर r, या r, या r, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में 4r इज इक्वल टू √3a, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4r/√3, समझ में आ गया, ठीक है। a की जगह रख दो इसको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, z की वैल्यू जो होगी 2 × 4/3 पाई आर क्यू डिवाइड बाई 4r/√3 का क्यू, हो गया, बस सॉल्व करो, कितना आ रहा है 4r/√3, बिल्कुल सही है, हाँ 68 आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल सही जा रहे हो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, सॉल्व कर लेंगे, तो 2 यहाँ पर 4, ये कितना होगा 2 × 4/3 पाई आर क्यू डिवाइड बाई 4 × 16 = 64 आर क्यू डिवाइड बाई 3√3, ये आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल, अब तो करीब हो गए ना, तो चलो मैं डायरेक्ट ले रहा हूं 0.68, तो 68% स्थान घेरता है, तो रिक्त कितना होगा, रिक्त कितना होगा, 68% स्थान घेर रहा है, तो कितना होगा रिक्त, रिक्त कितना हो जाएगा 32%, है ना, 68% स्थान घेर दिया, तो रिक्त कितना हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा 32%, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। हाँ नेक्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड आप, थर्ड भी आप ही करोगे भाई, अब इतना बढ़िया मुझको महसूस हो गया है कि अब आप ही सब सॉल्व करोगे, चलो 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 एफसीसी में निकालो, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। तो कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूं, तो पैकिंग फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, 4 हो गया, यहाँ कितना हो गया 4/3 πr³ डिवाइड बाई कितना कर दिया a क्यूब, और आपको पता है फलक में बात करते हैं तो ये अगर a होता है तो a कितना होता है यहाँ पर √2a, मतलब ये वाली वैल्यूज यहाँ पर लेते हैं अपन लोग, तो ये हो गया √2a, और जब इसको √2a लेते हैं तो यहाँ पर कितना होता है 4r होता है, ये हमारा होता है 4r,
4R is equal to root 2 A, A is equal to हो जाता है 4R upon root 2, 4R upon root 2. तो यहां पर रख देंगे अपन कितना 4R upon root 2 का होल क्यूब. तो सॉल्व करोगे तो यहां कितना आएगा 0.74. तो ये आ गया अपने पास में पैकिंग फ्रिक्शन, ये आ गया पैकिंग फ्रिक्शन, यानी कि ये आ जाएगा ये या फिर ये आ जाएगा 74%, इसको बोल सकते हैं. तो रिक्त कितना होगा, रिक्त हो जाएगा अपने पास में कितना 7×9 यानी कि 26%, है ना. ये रहा चीज, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बिल्कुल बहुत बढ़िया, मजा आ गया. तो आज ये पहला टॉपिक तो अपन ने कर दिया फिनिश, जहां पर बात कर रहे थे पैकिंग फ्रैक्शन, सीधा सीधा क्वेश्चन कि पैकिंग फ्रैक्शन कैसे हल किया जाता है. चलो बच्चों नेक्स्ट की कहानी सुनते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास वो देख लेते हैं. अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे, ये दिख रहा है अपने को, ये दिख रहा होगा. तो नेक्स्ट अब अगली चीज जो आपको सिखाने जा रहे हैं, एक और आज हम सिखाने जा रहे हैं निबिड संकुलन. पहली चीज तो हमने आपको सिखा दी कि कितना स्थान घेरता है, और दूसरी चीज अब आज सिखाने जा रहे हैं वो है निबिड संकुलन. संकुलन, संकुलन का मतलब पैक, पैकिंग होना. पैकिंग होने का मतलब सही तरीके से उसको रखना, और रखने के बाद में वह कितना स्थान घेरता है, कितना स्थान वो घेरता है, ये होता है हमारे पास में संकुलन. यानी कहीं पर भी संकुलन, संकुलन कहीं पर भी देखना है. तो संकुलन का मतलब क्या होता है, संकुलन का मतलब होता है कि कितना स्थान वहां पर घेर लेता है. अब जैसे कि आपके सामने यहां पर मैंने दो प्रकार के संकुलन रखे हैं. दो प्रकार के संकुलन कैसे हैं, फिलहाल मुद्दे की बात कर रहा हूं. मुद्दे की बात यह है बेटा, संकुलन का मतलब क्या होता है, संकुलन का मतलब होता है कि परमाणुओं के द्वारा कितना स्थान घेरा गया है. अब परमाणुओं के द्वारा जो स्थान घेरा गया वो इस बात पर जरूर निर्भर करेगा कि आपने व्यवस्था कैसे कर रखी है, किस प्रकार से परमाणु को रखा गया है, इस पर जरूर निर्भर करेगा. तो आप पहले तो हमने पढ़ लिया कि कितना होता है संकुलन, वो पढ़ लिया हमने, तीन व्यवस्थाओं में पढ़ लिया. अब उसके अलावा कौन कौन सी व्यवस्था हो सकती है उनके बारे में डिस्कस करते हैं. तो देखिएगा यहां पर मैं व्यवस्था की बात करूं तो हम व्यवस्था तीन प्रकार से कर सकते हैं. तीन प्रकार से कैसे, तीन प्रकार का मतलब, व्यवस्था का मतलब यह है कि निर्भर करता है कि डब्बा कैसा है या आप परमाणुओं को कैसे रखते हैं. जैसे आपको मैंने गोले दे दिए, मान लेते हैं 4-5 बॉल दे दी मैंने आपको, मैंने कहा इनको वन डी में रखो. वन डी समझ रहे हो ना, एक दिशा में. तो आप कैसे रखोगे उसको, एक दिशा में रखना है, ठीक है, कैसे रखना है, सारे परमाणु को एक दो एक दो एक दो एक दो करके रख दो, मतलब परमाणु को ऐसे 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 करके रख दो, ऐसे परमाणु मतलब लाइन लगा दो, लाइन लाइन, जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं मतलब गाड़ी 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 या कुछ होता तो लगाते रहते, तो वो वन डायमेंशन हो गया. ये देखो ये वाला एक, ये देखो ऐसे दिखा हुआ, ये देखो वन डायमेंशन, क्लियर, ये वन डायमेंशन हो गया. अब टू डायमेंशन क्या होगा, ऐसे ऐसे भी रख दिया, जमीन पे रखना है जमीन पे ही रखना है, ऐसे ऐसे रखा और ऐसे ऐसे रख दिया, ये टू डायमेंशन, वन डायमेंशन टू डायमेंशन, क्लियर, ये हो गया टू डायमेंशन. अब थ्री डायमेंशन क्या होगा, वन डायमेंशन टू डायमेंशन और ऊपर रखते चले जाओ, ढेर बनाते जाओ, ऊपर जाओ, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दो, तो ये होता है थ्री डायमेंशन. तो तीन होती है, वन डायमेंशन टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन. अब वन डायमेंशन ये है पढ़ना ही नहीं है हमको, क्योंकि है ही नहीं हमारे सिलेबस में और जरूरत भी इसकी नहीं है. तो वन डायमेंशन को तो आप भूल जाओ, जरूरत नहीं है वन डायमेंशन की. हाँ लेकिन वन डायमेंशन में एक शब्द यहां पर यूज हो रहा है, समन्वय संख्या. समन्वय संख्या जानते हो क्या होता है, चलो मैं इसको भी थोड़ा सा हल्का सा हिंट दे देता हूं आपको समन्वय संख्या के बारे में. समन्वय संख्या क्या है उसको देखते हैं. समन्वय संख्या का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ देते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत यहां पर पड़ेगी. इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि जैसे कि आप यहां पर कहीं पर खड़े हो और आपको मान लेते हैं कुछ दूरी पर 5 लोग या 4 लोग घेरे हुए, ठीक है,
कितने लोग आपको घेरे हुए हैं वो आपकी समन्वय संख्या होगी। यानी किसी परमाणु के द्वारा कितने परमाणु, यानी किसी परमाणु को कितने परमाणु घेरे हुए, समझ में आ गया। और ये जो दूरी होगी वो कैसी होगी, निकटतम दूरी होगी। तो निकटतम दूरी तक जितने परमाणु घेरे होते हैं या जितने भी लोग घेरे होते हैं वो उसकी समन्वय संख्या होगी। समझ में आ रही बात, क्लियर होगी, ठीक है। जैसे यहां पर अगर बात करें तो चार लोग घेरे हैं तो समन्वय संख्या चार हो जाएगी। अब जैसे कि अभी बात कर रहे थे वन डायमेंशन में, तो वन डायमेंशन में अगर आप देखो तो परमाणु ऐसे लगे हुए हैं, इस टाइप से परमाणु है। तो इस टाइप से परमाणु है तो एक चीज समझो, यहां पर किसी एक परमाणु को देख लो, किसी एक परमाणु के ऊपर बैठ जाओ तो वो परमाणु देखो इससे घिरा हुआ है और इससे घिरा हुआ है। वो जो परमाणु है वो किससे घिरा हुआ है, दो से घिरा हुआ है। इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। आ गया समझ में। अगर चार से घिरा होता चार होगा, छह से घिरा होगा छह होगा, आठ से घिरा होगा तो आठ होगा। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसके बारे में आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो वन डायमेंशन में यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर टू लिखा हुआ, बस इतना ही काफी है, इसके आगे फोकस करने की आपको जरूरत नहीं। अब बात करते हैं टू डायमेंशन में, टू डी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप जरा फोकस कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू डायमेंशन में दो चीजें होती हैं, दो तरीके का अरेंजमेंट होता है। एक अरेंजमेंट ये होता है और एक अरेंजमेंट ये होता है। अब दोनों के अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस है, पहले इसको देख लो। तो हमने यहां पर दो अरेंजमेंट आपको बताए हैं, एक अरेंजमेंट ये बता दिया और एक अरेंजमेंट हमने ये बता दिया। ये दो अरेंजमेंट है। अब ये दो अरेंजमेंट कैसे हैं और क्या अंतर है, इन सारी चीजों को यहां पर मैं आपको समझाने वाला हूं। देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं 2D में पहला अरेंजमेंट। देखो परमाणु कैसे कैसे रह सकते हैं, सब लोग इधर फोकस करो, परमाणु कैसे रह सकते हैं। देखो हमने ऐसे 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 परमाणु बना लिया, ठीक है। इसी के ऊपर मैंने एक व्यवस्था ऐसे कर दी, उसके ऊपर समान ऐसे व्यवस्था कर दी, ठीक है। इसके ऊपर और व्यवस्था कर दी, ऐसे कर दिया, ये देखो ये देखो ये देखो ये व्यवस्था है, क्लियर। एक तो ये अरेंजमेंट था, है ना। दूसरा मैंने रास्ता क्या बनाया कि मैं एक काम करता हूं, ऐसे ही हमने परमाणु यहां रख दिए, फिर इनके बीच में ऐसे रख दिए। समझ गया होगा, थोड़ा सा फीलिंग आ गई होगी आपको यहाँ पर, यहाँ ऐसे भी तो अरेंजमेंट हो सकता है। ये देखो अब इधर भी बहुत से हैं, इधर भी बहुत से हैं, अंत कहीं नहीं है, फिर से बता दे रहा हूं अंत कहीं नहीं है। अब देखो दोनों में अंतर, देखो अंतर दिख रहा है दोनों में। एक अरेंजमेंट ये है और एक अरेंजमेंट ये, दोनों में अंतर है। अंतर क्या है, देखो कैसे देखा अंतर हमने, देखो अंतर दिख रहा है। इसका केंद्र, इसके केंद्र, इसका केंद्र एक ही लाइन में है, केंद्र 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 एक लाइन में। क्या इसका केंद्र, इसका केंद्र, इसका केंद्र एक लाइन में है, नहीं है। इन दोनों का इसका इसका केंद्र तो एक लाइन में इधर उधर हो रहा है, इसका इसका नहीं है। इसका इसका क्या केंद्र है, क्या इसका इसका केंद्र एक लाइन में है, नहीं है। खिसक गया थोड़ा सा, इसके थोड़े से खिसकने में संरचना का परिवर्तन हो गया। क्या संरचना है, देखो अगर मैं केंद्रों को मिलाऊं, अगर मैं अगर अड़ोसी पड़ोसी जो परमाणु है उनके केंद्रों को मिलाऊं तो ये कुछ इस प्रकार की संरचना प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि ये संरचना कौन सी होगी, वर्ग हो गई, होगी वर्ग। इसका एक और रूप भी हो सकता है, एक और रूप भी हो सकता है। मैं एक काम करता हूं, मैं कुछ इनको मिला देता हूं आपस में, ऐसे मिला देता हूं, ऐसे मिला देता हूं, ऐसे मिला देता हूं, ऐसे मिला देता हूं, तो भी ये वर्ग है। यहां भी वर्ग है, यहां भी वर्ग है। इसका मतलब ये कौन सा, कौन सी व्यवस्था है, वर्ग वाली व्यवस्था है, वर्ग वाली व्यवस्था है। यानी एक के ऊपर एक के ऊपर एक परमाणु रखे होंगे, एक के ऊपर एक टू। अच्छा एक बात जरूर ध्यान रखना, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं, टू डायमेंशन की बात कर रहा हूं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जमीन पे पड़े हुए हैं, जमीन पर पड़े हुए हैं, फैले हुए हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं अभी। अभी उनके ऊपर रखने वाली स्थिति नहीं रख रहा हूं अब, क्योंकि बोर्ड सीधे खड़ा है तो हमारे एटम भी खड़े हो गए। बोर्ड पड़ा होता तो हमारे एटम भी पड़े हो जाते, समझ गए बात, क्लियर है। इसलिए अभी मैं 3D की बात नहीं कर रहा हूं, अभी किसकी बात कर रहा हूं, 2D की बात कर रहा हूं, तो जमीन पे पड़े हुए वाले की बात चल रही है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। हाँ
अगर आपको जमीन पर पलाना ही नहीं है तो फिर आप खड़े करते चले जाओ, तो वन डायमेंशन टू डायमेंशन ऊपर की तरफ चले जाओ, तो फिर उधर मत जाना, जैसा चाहो वैसा देख लो आप। ठीक है, यहां पर क्या है, ये हो गया वर्ग। और यहां अगर हम देखें तो यहां देखें तो यहां क्या होगा, अब परमाणुओं के केंद्रों को मिला दो, यहां परमाणु केंद्र मिला दो, देखो ये मिलाया ये मिलाया ये मिलाया ये मिलाया ये मिलाया ये मिलाया मिला दिया, तो यहां पर ये हो गया हेक्सागोनल। क्या हो गया, हेक्सागोनल, समझ गए बात। तो दो हो गए, एक हो गया स्क्वायर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्क्वायर, और एक हो गया हमारा हेक्सागोनल। दो प्रकार का अरेंजमेंट होता है। अब पहला क्वेश्चन दोनों में पूछने जा रहा हूं, वो पहला क्वेश्चन ये है कि बताओ दोनों की समन्वय संख्या कितनी होगी, दोनों की समन्वय संख्या कितनी होगी। तो देखो यहां पर समन्वय संख्या निकाली, ये तो मैंने आपको आइडिया बताया कि ऐसा भी स्क्वायर होता है, लेकिन समन्वय संख्या के लिए हमें क्या चाहिए, एक परमाणु चाहिए बीच में, एक परमाणु चाहिए बीच में जो परमाणु अन्य परमाणुओं के द्वारा घिरा हुआ होगा, तभी तो बात बनेगी। तो कौन सा परमाणु बीच में घिरा हुआ दिख रहा है बेटा, ये परमाणु हमको घिरा हुआ दिख रहा है सभी से, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये परमाणु घिरा हुआ दिख रहा है, और ये परमाणु जब गिरा हुआ दिख रहा है तो इस स्थिति में अगर हम कहें तो कितने परमाणु, एक दो तीन सॉरी चार, एक दो तीन और चार, यानी कि इसका मतलब इस जगह पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आएगा वो कितना हो गया, फोर हो गया। अभी बात समझ में, ठीक। अब यहां पर देखो ये परमाणु गिरा हुआ दिख रहा है बच्चों, ये परमाणु गिरा हुआ दिख रहा है, तो यहां पर देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी यहां कितना हो गया, यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6। दो बातें समझ में आती, एक का आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और एक का आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो पहली मुसीबत तो हमने यहां पर सॉल्व कर ली कि ये भैया 6 ये भैया 4। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर, और अब जो बिंदु आने वाला है वो बहुत ही खतरनाक है। क्या मुझे यहां पर भी पैकिंग फ्रैक्शन चाहिए, संकुलन क्षमता चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि संकुलन क्षमता यहां पर बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, लोग बहुत बड़ा कंफ्यूज रहते हैं यहां पर। वो क्या कंफ्यूजन है वो आपको बाद में बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, पहले अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। मुझे पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, क्या निकालना है, पैकिंग फ्रैक्शन, इसका निकालना है और उसका निकालना है। आओ चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं, नंबर फर्स्ट बात कर रहा हूं स्क्वायर पैकिंग में, स्क्वायर पैकिंग में, तो सबसे पहले बात करेंगे स्क्वायर पैकिंग, क्लियर, स्क्वायर पैकिंग वही जो स्क्वायर पैकिंग वाली थी, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर मैं दो केस ले रहा हूं बेटा, यहां पर केस का भी थोड़ा सा लफड़ा है, तो केस फर्स्ट और केस सेकंड, दो केस ले रहा हूं आपके सामने। दो केस क्यों ले रहा हूं, उसके पीछे का रीजन है कि क्वेश्चन आ चुका है, तो क्वेश्चन आ चुका है इसलिए पूछ रहे। बोर्ड में तो नहीं आया बेटा, लेकिन हर चीज बोर्ड में आ जाए जरूरी नहीं है, जिंदगी में कभी भी जा सकता है। तो ये है हमारा पहला स्क्वायर, ठीक है, इसका यानी कि ऐसे परमाणु यहां रखे हुए, और ऐसे परमाणु रखे गए तो मुझे इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। देखो एक चीज तो यहां पर सोचने वाली बात है कि भैया यहां पर हम बात कर रहे हैं टू डायमेंशन, और टू डायमेंशन में आयतन तो हम लेंगे नहीं, आयतन तो हम लेंगे नहीं, यहां पर तो हो जाएगा क्षेत्रफल, होगा कि नहीं होगा, या क्या होगा क्षेत्रफल, आयतन तो यहां पर आएगा नहीं, पहली बात तो ये समझने वाली बात है कि यहां पर आयतन ले नहीं सकते। तो जो सूत्र हमने वहां लिखा था ना, उस सूत्र में थोड़ा सा बदलाव होगा इसके लिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2D में, 3D तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, 3D के बारे में तो अभी डिस्कस ही नहीं कर रहे, अभी मैं बात कर रहा हूं 2D के बारे में। तो यहां पर अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या परिवर्तन करने वाला है वो समझ लो। यहां पर पहला, यहां पर जेड इफेक्टिव तो ऐसे ही लिखा जाएगा इनटू, यहां पर अब परमाणु जो है, परमाणु गोला होता है, गोला 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 होता है 3D में, गोला होता है 3D में, तो गोले का आता है आयतन। अब
बोला बोला नहीं बचेगा, क्योंकि बोला ले लोगे तो मामला आयतन का आ जाएगा, तो बोले को पिचका दो। पिचका दो इसका मतलब उसको बना दो डिस्क। क्या बना दोगे उसको? डिस्क बना दोगे। क्यों? क्योंकि 2D है ना, 2D में तो हम उसको डिस्क की तरह सोचना पड़ेगा, हम आयतन की तरह सोच ही नहीं सकते। समझ गए बच्चों? दिमाग की बात, बहुत पते की बात। डिस्क, और डिस्क करोगे तो उसका क्या लेंगे हम लोग? क्षेत्रफल, एरिया। क्षेत्रफल ले लेंगे तो क्षेत्रफल कितना होता है पता ही होगा, और डिवाइड बाई इसका क्षेत्रफल, संरचना का क्षेत्रफल, संरचना का क्षेत्रफल। अब देखो 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 देखो, जेड इफेक्टिव रखोगे रखोगे, अब यहां पर क्षेत्रफल ले लोगे तो किसका क्षेत्रफल लोगे? इसके डिस्क का क्षेत्रफल लोगे। क्लियर है? यानी कि ये इनका क्षेत्रफल लोगे, और नीचे क्या लोगे? नीचे का क्षेत्रफल लोगे। चलो 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 चलो, पहले सिखाते 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 आपको सिखाते हैं, ठीक है? तो ये हो गया। अच्छा अब ये हो गया तो अब बताओ क्या करेंगे? अब क्षेत्रफल निकाल रहे हो, पहले किसका? इसका निकाल रहे हो। बताओ इसका कितने क्षेत्रफल होता है? पाई आर स्क्वायर। अरे होता ही नहीं होता है। इसका पूरे का फुल का कितना होगा? पाई आर स्क्वायर होगा, होगा पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो अब देखो इसमें, देखो इसमें, देखो कितना भाग इसका आ रहा है, ये देखो इसका कितना भाग आ रहा है, 1/4। इसका कितना भाग आ रहा है? 1/4। इसमें कितना भाग आ रहा है? 1/4। इसमें कितना भाग आ रहा है? 1/4। यही तो आ रहा है बच्चा। यानी कि इसका मतलब है, यहाँ पर इसके लिए बात करें, ये जो बोले नहीं बोल सकते, इसको हम क्या बोल सकते हैं? डिस्क बोल सकते हैं। तो इसको अगर बोलेंगे तो ये कितना होगा? ये होगा पाई आर स्क्वायर बाई, पाई आर स्क्वायर बाई फोर, चार गुना, मतलब चौथा 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 चौथा, चौथियाई चौथियाई वाला कंडीशन, और इंटू कितने है? चार। बराबर कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर, फुल हो गया। ये किसका आ गया? ये इसका आ गया, आ गया, ठीक। दूसरी बात, दूसरी बात, यानी कि ये अपन ने निकाल ली, ये कितनी वैल्यू निकाल ली अपन ने? पाई आर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं संरचना का क्षेत्रफल। तो संरचना का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई ले लो, वर्ग है, लंबाई गुणा चौड़ाई ले ले, वर्ग है। तो यहां पर ए हो गया, ये भी ए हो गया, तो ए स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल अगर ए स्क्वायर हो गया तो ए का मान कितना होगा? ए का मान अपने पास में त्रिज्या के बराबर होगा, यही तो ए है, तो ये त्रिज्या त्रिज्या आर आर के बराबर होगा। तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 2R। तो 2R का क्या आ जाएगा यहां पर? वर्ग आ जाएगा, 2R का वर्ग। और 2R का वर्ग आ गया तो अब पैकिंग फ्रैक्शन निकालो मान। तो यहां पर कितना हो गया? जेड की वैल्यूज, जेड की वैल्यूज कितनी आ जाएगी? जेड की वैल्यूज कितनी होगी स्क्वायर में? निकालो, सोच के बताओ कितनी हो जाएगी जेड की वैल्यूज। अपन यहां पर जेड की वैल्यू जैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर जेड की वैल्यू 3D में जरूरत पड़ेगी, जरूरत ही नहीं है, वो 2D में था तो वो 2D वाला आ गया था। हाँ चलो ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बताओ। तो यहाँ पर क्षेत्रफल ले लो किसका? परमाणु का, बटा ये कर लो। हाँ तो यहाँ कितना ले लोगे? ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2R का होल स्क्वायर, ठीक। सॉल्व करो इसको तो पाई आर स्क्वायर बटा 4R स्क्वायर, आर स्क्वायर स्क्वायर कट गया, कितना आ गया? पाई बाई 4। पाई बाई 4 का मान कितना होता है? जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, पाई बाई 4 का मान कितना होता है? कितना होता है? 3.14 डिवाइड बाई 4 होता है ना, 3.14 डिवाइड बाई 4। तो कितना हो गया? 4 पंचे 20, 4 छके 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठा 32, 4 सत्ते 28 7, तो 0.7 28, 29, 30, 31, 3, 34, कितना हो गया बताओ बेटा? 8 के करीब आ जाएगा, 0.78, यानी कि 78% स्थान घेरता है। कब? जब हम बात करते हैं वर्ग में, जब हम बात करते हैं 2D में, तब ये स्थान घेरता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बेटा जल्दी बताओ। 0.77 0.78, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, समझ में आ रही बात? क्लियर हो गया ये पॉइंट? क्लियर हुआ? नया था आपके लिए बिल्कुल, कैसे सॉल्व करना ये तरीका समझ में आ गया? था ना नया, पक्का? चलो एक और बताता हूं मैं आपको, 5 मिनट और लूंगा मैं आपके। इतनी बात समझ में आ गई? ये अरेंजमेंट समझ में आ गया? अब देखो एक कमाल की बात दिखाता हूं, बिल्कुल कमाल और धमाल के साथ। देखो एक और बात, अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, थोड़ा चेंज कर रहा हूं। अब मैं आपके सामने जो अरेंजमेंट लेके आ रहा हूं ना, वो अरेंजमेंट कुछ ये है, मैंने वो बनाया हुआ भी पहले है, मैंने वो बनाया हुआ भी पहले है, ठीक है? और फिर से मैं आपको उसको दिखा दे रहा हूं, तो आपको कुछ चीज यहां नजर आएगी। एक ये, एक ये, एक ये,
ये और एक ये, अच्छा ये थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया है, एक मिनट जा। हाँ देखो, एक ये बनाया, ऐसा कुछ अपन ने भी बनाया थोड़ी देर पहले, याद करो ये वाला, ऐसे 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 ऐसे, ये याद आया, ये भी तो था, ये भी तो हमारा वर्ग है, दो रूप थे ना वर्ग के, एक तो ये रूप है और एक वो रूप था, तो वो रूप तो अपन ने निपटा लिया। अब इस रूप में अगर क्वेश्चन आ गया, और मैं आपको बता दूं क्वेश्चन कहां आया है, चलो यहां आया हुआ है। अब ये मत कहना था बहुत बड़ी चीज है, कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव में आया था, मेंस में आया था, मेंस तो सब बराबर बराबर, सबसे सिंपल सिंपल जो होता है वो जेई मेंस होता है, ठीक है। तो यहां पर आया हुआ था, तो यहां पर भी वही कंडीशन है, यहां पर भी पूछा गया है कि व्हाट इज द पैकिंग फ्रैक्शन, पूछा गया है। शुरुआत करें, फटाफट शुरुआत करते, चलो 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 जल्दी शुरुआत करते। देखो सबसे पहली चीज, ये ए है, ये ए है, फॉर्मूला वही लगाना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल तो पहले तो क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, यानी कि जो एक गोले, गोले ना बोल के इसको जो भी आप बोल लेते हैं उसका क्षेत्रफल बताओ क्या होगा, बताओ क्षेत्रफल क्या होगा, पहले क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं फिर अपन आगे सोचेंगे। देखो अंदर वाला तो पूरा गोला है, तो पूरा गोला है तो ये तो हो गया पाई आर स्क्वायर, है ना, अंदर वाला तो क्या है पूरा गोला है, ये तो हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इधर देखो ये कितने हैं, ये देखो चौथाई भाग, ये भी चौथाई भाग, ये भी चौथाई भाग, ये भी चौथाई भाग, ये भी चौथाई भाग, तो हर चौथाई भाग यानी कितना होगा पाई आर स्क्वायर बाई फोर, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई फोर। तो कितने, एक दो तीन चार, चार है, तो यानी कि यहां पर एक तो हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस चार गुणा पाई आर स्क्वायर बाई फोर, इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना होगा टू पाई आर स्क्वायर होगा। ये रहा बेटा इसका क्षेत्रफल, टू पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सही है, यहां तक समझ में आ गई बात, काम खत्म। क्या किया, क्षेत्रफल निकाल दिया, कितना टू पाई आर स्क्वायर। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर, दूसरा मुद्दा, अब मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, अब वर्ग है तो वर्ग का ए स्क्वायर होगा, लेकिन यहां पर ए और वहां के ए में अंतर है, वहां पर दो परमाणु आपस में थे, जुड़ रहे थे, तो इस जगह पर आर, इस जगह पर आर, यहां पर ए लिया था, बाद में ए स्क्वायर कर लिया था। क्या ये दो परमाणु जुड़ रहे हैं, किनारे की लंबाई तो बेटा यही है ना, किनारे की लंबाई तो यही है, जब किनारे की लंबाई ये है तो ये थोड़ी हमारा दो आर के बराबर होगा, टू आर के बराबर होगा, ज्ञात करना पड़ेगा यहां पर। कैसे ज्ञात करेंगे, यही तो पॉइंट है, कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ऐसे करेंगे, ये कितना है, ये है आर, ये है ए, क्योंकि ये दोनों जुड़ रहे हैं, ये कितना हो गया, ये है ए, तो ये कितना हो गया रूट टू ए, आया समझ में पॉइंट, ये कितना हो गया, ये हो गया रूट टू ए, ये ए है, ये ए है, तो ये कितना है, ये रूट टू ए है, ये ए है, ये ए है, ये कितना है रूट टू ए है, यानी कि यहां पर अगर हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल आएगा रूट टू ए का वर्ग। अब यहां पर रखो वैल्यू, वैल्यू रखो तो ऊपर कितना आ गया टू पाई आर स्क्वायर और नीचे आ गया रूट टू ए का वर्ग। आगे लेके चलो तो टू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए बराबर तो टू आर दिख रहा है आपको, यहां पर ए बराबर टू आर तो दिख रहा है, देखो ये आ रहा है और ये आ रहा है, यहां से देखो ना ए बराबर टू आर दिख रहा है, ये a, ये भी a, ये भी a, तो ये किसके बराबर हो गया, ये a है, ये भी a है, सब 2r के बराबर हो गया, ये लेंथ अलग है, ठीक। तो यहां पर a बराबर कितना रख देंगे 2r, तो यहां कितना होगा 2 into 2r, a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 4r स्क्वायर हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया, पाई बाई 4 आ गया, और पाई बाई फोर को सोल्व करते 0.78 आता है। कुछ कमाल की बात दिखी, कुछ कमाल दिखा नहीं दिखा, अरे यार पिछली बार में आंसर कितना आया था, ये 0.78 और इधर कितना आंसर आ गया 0.78, मतलब चाहे ये स्थिति ले लो और चाहे ये स्थिति ले लो, दोनों तरीके किसी भी तरीके से परमाणुओं को अगर आप देख लो रखा हुआ है तो दोनों समान स्थान घेरते हैं, ये थी कमाल की बात, समझ गया।
कंफ्यूजन मत होना, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये अरेंजमेंट है। लेकिन बार बार एक बार और मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन की कोई बात मैंने नहीं की है। थ्री डायमेंशन आगे आएगा, थ्री डायमेंशन आगे बढ़ेंगे, टू डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। ये टू डायमेंशन में रखा है और ये भी टू डायमेंशन रखा है, दोनों ही स्क्वायर अरेंजमेंट है, दोनों ही वर्ग की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन दोनों वर्ग व्यवस्थाओं में अंतर है। यहाँ पर अलग तरीके से व्यवस्था है, यहाँ अलग तरीके से व्यवस्था है, लेकिन चाहे जैसी व्यवस्था हो दोनों का मान समान आता है। समझ गए बच्चों, क्लियर था, है ना कमाल की बात। अब तो बोल दो यार, अब तो कमाल की बात थी। हाँ सर, ये बात तो थी, बोलो। ठीक है, समझ में आया कि दोनों चीजें अलग, ये भी नया था, नया कॉन्सेप्ट, बिल्कुल नई चीज आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो कल मिलते हैं, तो बाकी चीजें अब नेक्स्ट क्लास आगे की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो, ठीक है, मेरी तरफ से ओके, गुड बाय।